कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभागार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा, जान है तो जहान है और जन हानि से बचाना हम सबका दायित्व है। उन्होंने कोरोना बचाव संबंधी सुझावों को व्यापारियों, होटल संचालकों आदि से प्राप्त करते हुए कहा कि सौराष्ट्र देश हित में सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, तभी कोरोना पर विजय प्राप्त होगी। उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों से कहा कि वे अपने दुकान के बाहर सामानों का डिस्प्ले करना बंद करें, सामान दुकान के अंदर ही रखें तथा दुकानों के बाहर कोरोना से बचाव संबंधी पोस्टर लगाएं तथा ग्राहकों को बिना मास्क दुकान के अंदर प्रवेश करने न दें। उन्हें मास्क के प्रयोग के प्रति जागरूक करते हुए मास्क प्रदान करें। इस अवसर पर एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि कोरोना से बचाव के सभी उपाय किए जाएं, जिससे खुद के साथ समाज को बचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए, यदि कोई समस्या आती है तो तत्काल संज्ञान में लाएं ताकि उसके त्वरित निराकरण किया जा सके। नगर आयुक्त आशीष कुमार ने कहा कि साफ सफाई के दृष्टिगत सभी वार्डों में छिड़काव, सफाई आदि का कार्य कराए जाने के साथ ही कंटेनमेंट जोन में बैरिकेटिंग करने के साथ ही नगर निगम के प्रवर्तन टीम के माध्यम से मास्क की चेकिंग, जन जागरूकता आदि की कार्रवाई की जा रही है ताकि जनमानस को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। इस अवसर पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया सहित अन्य व्यापारी और अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केवीएन पांडियन ने कहा, परम श्रद्धे जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर, परम श्रद्धे एसएसपी गोरखपुर सर, डीसी डीडीए सर, एसपी सिटी सर और यहाँ पर मौजूद अभिनव श्रीवास्तव साहब, व्यापार मंडल के सिंघानिया साहब, दुबे जी मेडिकल के और सभी यहाँ पर प्रतिष्ठित व्यापार मंडल के सभी अध्यक्षगण सर, आपके पदार्पण कर चुकी है और कुछ कैजुअलिटीज भी का फैसिलिटी रेट भी कुछ अभी जो ट्रेंड चल रहा है अधिक माना गया है, इन्फेक्शस बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए बहुत प्रिकॉशन की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की जनहानि को हमें होने से रोकना है, इसमें आप सभी प्रबुद्ध लोगों का सहयोग चाहिए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आप लोगों के सहयोग को हर भरसक प्रयास करना है, जिससे हर लोगों को जागरूक करके इस बीमारी को बचाने से रोकने के लिए हर भरसक प्रयास करना है, क्योंकि बचाव भी इसका इलाज है। ये कोरोना सार्स कोव-2 का जो नया स्ट्रेन है, इसके लक्षण पुराने सार्स कोव-2-19 से डिफरेंट है, ना तो इसमें बुखार आता है, ना इसमें खांसी आती है, ना ही इसमें किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, केवल निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं, वो आपको एक्सरे में ही दिखाई देंगे। आपको थकान महसूस होगी तो जनरली आप काम करके थकान महसूस होगी, ये जनरल फैक्टर है, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये कोरोना का है। घुटनों में दर्द महसूस होता है तो हर आदमी को ज्यादा चलने पे घुटनों में दर्द महसूस होता है, ये भी एक जनरल फैक्टर है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं, सांस फूलना है, आप थोड़ा ज्यादा चलिए, पैदल कोई चलता नहीं है, जरा सा चलना पड़ गया तो सांस फूलती है, सीढ़ी चलिए तो सांस फूलती है, तो ये भी एक जनरल ह्यूमन फैक्टर है। ये सिम्टम्स हैं सांस को फ्लू का जो नया स्ट्रेन आया, तो ऐसे में ये पता नहीं लगता है कि आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है, इसलिए ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और ये जब भयानक रूप लेता है तब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, उस समय इसे पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, और जब इस जिस स्टेज में इसका डिटेक्शन होता है ये और कठिन इसको सेव करना हो जाता है। तो सबसे पहले एक सरल से शब्दों में आपको बता देता हूँ कि सार्स कोव-2 वायरस कैसे अटैक करता है। ये वायरस सब हमारे सांस के माध्यम से सीधे हमारे फेफड़ों में जाता है, नेजल चेंबर में, वो 2 दिन 48 घंटे तक हमारे थ्रोट में और नेजल चेंबर में रुकता था। अगर उस दौरान आपने स्टीम, गर्म पानी, इनहेल किया, लिया,
तो वो वायरस हमारे सीधे एलिमेंट्री कैनाल यानी खाने पीने के किसी और अंग से एंटर नहीं करता है। अब आप पूछेंगे कि ये फेफड़ों से ही क्यों एंटर करता है, तो एक इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि ये वायरस के ऊपर एक आटे की तरह से स्पाइक प्रोटीन जुड़ी हुई है। हर वायरस के ऊपर एक स्पाइक कांटे की तरह की प्रोटीन जुड़ी हुई है, इसे आप एक चाबी समझ लीजिए। और हमारे फेफड़े में सबसे छोटा सा इकाई जो होती है उसे एल्वियोलाई सेल कहते हैं, वहीं से हमारी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन हमारा फेफड़ा करता है। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो हमारे एल्वियोलाई सेल से फेफड़े से बाहर जाती है, और ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं एल्वियोलाई सेल के माध्यम से ही हमारे खून में शामिल हो जाती है। तो ये जब एल्वियोलाई सेल के पास पहुंचता है तो उसका गेटमैन एस रिसेप्टर 2 कहलाता है। तो एस रिसेप्टर 2 समझ लीजिए हमारे शरीर का ताला है। तो ये अपने स्पाइक प्रोटीन से हमारे ताले को चाबी को तरह खोल देता है और ये हमारे एल्वियोलाई सेल में घुस जाता है, और इसके बाद हमारे केंद्र बिंदु न्यूक्लियस को हैक करके मल्टीप्लाई करता है, जैसे अपनी फोटो कॉपी कराना शुरू कर देता है और करोड़ों अपनी फोटो कॉपी बना के सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर सेल ब्लास्ट करता है, मरता है, फिर इसी तरह से चेन रिएक्शन शुरू करता है और म्यूकस फॉर्मेशन शुरू करके निमोनिया कर देता है। तो अभी तक इसका इलाज संभव नहीं है, इसलिए आपको प्रिकॉशन से ही अपने आप को बचाना है। यहाँ कौन खाते 4 घंटे पहले चला गया, इसलिए आपको पूरा प्रिकॉशन मास्क का रखना है, दुकान में सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर रखना है, भीड़ को एकत्र नहीं होना देना है। ऐसा ना हो कि आप ही को जनरल के रूप में काम करना है, एक एक करके आप आइए अपने पसंद का सामान लेकर, इकट्ठा मत चैम्बर में इकट्ठा करें। रोकथाम के लिए आपका फर्स्ट डिस्टेंस रहेगा, दूसरा सोशल डिस्टेंस में, होटल और रेस्टोरेंट्स में वहां पर भी आपको सोशल डिस्टेंस से ही बैठना है। दूसरा वहां पर जो आपके बर्तनों की सफाई करने वाले सफाई करनी है वो खुद की भांति पीपी के ग्लव्स का इस्तेमाल करें और सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन का भी इस्तेमाल करें। लखनऊ में पहुंचे थे उस समय, वहाँ कुछ चीज़ें हमने की थी, मैं वो सजेशन की तरफ बताना चाहूँगा, आप सब आपस में डिस्कस कर सकते हैं और उसको लागू करने का प्रयत्न कर सकते हैं। एक तो हमने ये किया था कि खुले में मसाले अनाज वगैरह की जो बिक्री होती है उसको रोका था, क्योंकि जैसे सपोज कोई कस्टमर आता है आपके पास और वो छीक देता है, वो आकर मसाला है या अनाज का जो बोरियाँ होती है वो खुले में रखते हैं, उससे कम संक्रमण फैलने की वो रहती है, या कटे हुए फल नहीं बेचते थे, इस तरह से डब्बों में बंद करके रखने की हमने ट्राई कराया था, और जो शॉपकीपर नहीं कर रहे थे उनका हम चलान कर रहे थे। दूसरी चीज़ थी वहाँ पे एक इलाका था हसनगंज, वहाँ पे काफ़ी संख्या गलियाँ थी, वहाँ दुकानें थी, तो वहाँ अक्सर भीड़ लग जाती थी और बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। यहाँ पर जैसे कोतवाली क्षेत्र है और गोलदर क्षेत्र है, वहाँ पर कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे यही समस्या है कि बहुत संकरा रास्ता है और दोनों साइड दुकानें खुली रहने की वजह से वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं पाता। दुकानदार जो अगर गोले बनाता भी है अपने घर अपने दुकानों के सामने तो उसमें संभव नहीं हो पाता है। वहाँ पे एक सिस्टम शुरू किया था हमने जहाँ पे एक दिन सड़क में एक साइड की दुकानें खुली रहती थी और दूसरे दिन सड़क के दूसरे साइड की दुकानें खुली रहती थी, तो ऐसा जो है आपस में मिलकर ही डिसाइड किया था वहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग थे किस दिन किस साइड की दुकान खुली रहेगी, किस दिन किस दिन दूसरे साइड की दुकान खुली रहेगी, ऐसी व्यवस्था भी हम यहाँ कर सकते हैं। दूसरी समस्या वहाँ यह होती थी कि सामान जो दुकानों पे आता है वो सामान के जो लोडिंग और लोडिंग का वक्त था वो अलग किया था हमने, जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में कर दिया था, तो जब सामान की लोडिंग हो रही है उस समय अगर लोग खरीदारी भी कर रहे हैं दोनों एक क्षण नहीं होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आराम से हो सके, तो इस तरह के इनोवेटिव तरीके भी हम सोच सकते हैं। बाकी एक मैं बात इम्पोर्टेंट ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि वैक्सीनेशन आप में से जो भी 60 साल से ज़्यादा के हैं उनका हुआ होगा, बट वैक्सीनेशन के बाद लोग प्रिकॉशन देना बंद कर दे रहे हैं, जैसे मास्क लगाना बंद कर दे रहे हैं या जो भी, वैक्सीनेशन के बाद भी आप कोरोना कैरियर हो सकते हैं और आपसे दूसरों को कोरोना फैल सकता है। वैक्सीनेशन के बाद डेथ नहीं होगी लेकिन वैक्सीनेशन के बाद ये नहीं है कि बिल्कुल आपको कोरोना होगा ही नहीं, इसलिए अगर आप में से जिनका भी वैक्सीनेशन हो जाता है वो उसके बाद भी इंश्योर करें कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें। नगर निगम
जैसे पूर्व में भी पिछले साल फेडरेशन की एक्टिविटीज़ की गई हैं, इस साल अभी फिर से शुरू कर दी गई हैं और आने वाले वीकेंड पे रविवार शनिवार और रविवार को यहाँ ड्राइव लाई जाएगी। साथ ही साथ प्रत्येक वार्ड में भी संक्रमण की कार्रवाई सैनिटाइजेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें सभी वार्डों में हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन है वो भिजवा दिया गया है और हमारे पास अच्छी मात्रा में ये अभी उपलब्ध है। नगर निगम साथ ही साथ जहाँ भी कंटेनमेंट जोन है वहाँ बैरिकेडिंग की कार्रवाई भी कर रही है। जो नगर निगम से अपेक्षा है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अधिक से अधिक सफलता से हम लोग कार्रवाई कर सकें, वो कही जा रही है। साथ ही साथ जैसे आपसे अपेक्षा अभी मीडियम सिटी साहब ने बताई है कि आप लोग अपने अपने परिस्थानों में संस्थानों में पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। नगर निगम भी अपनी प्रवर्तन टीम के माध्यम से जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको बस उतारेंगे और टीम उतरेगी वहाँ पे और सबको मास्क पहनाया जाएगा, साथ साथ जो नहीं पहने उनको चालान की कार्रवाई की जाएगी। आपको स्वयं भी सुरक्षित रहना है, अपने परिस्थान को स्थान को सुरक्षित रखना है। अगर आपका कोई दुकान किसी कंटेनमेंट जोन या फिर आपकी दुकान में कोई संक्रमित होता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, इसलिए आपका बिजनेस वैसे ही चले इसलिए आपको भी सभी प्रोटोकॉल आपको सब लोग पहले से बहुत अच्छे से मालूम है, उन्हीं को फिर से एक बार स्ट्रेस किया जा रहा है आप उनको और ही और ज़्यादा अच्छी तरह से आप सबको अनुपालन कराना है। और नगर निगम से जो भी आपके अपेक्षा रहेगी वह नगर निगम उन दायित्वों को प्रोत्साहन करेगा। बता रहे हैं कि भाई पहले एक्सपीरियंस आपका क्या रहा पिछले कोरोना में मुझे आइडिया नहीं है, बट उस समय मैं सहारनपुर के एसएसपी था और सहारनपुर में एक और समस्या था। सहारनपुर जो है हरियाणा पंजाब हिमाचल उत्तराखंड जम्मू एंड कश्मीर और इधर राजस्थान तक की बॉर्डर था, यूपी के एंट्री पॉइंट था सहारनपुर, जिसके साथ चलते लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश की एवं बिहार की पूर्वांचल की और बिहार की लेबर वहाँ पैदल साइकिलों में वो सब लेके आए थे, तो उनको हम लोगों ने सुरक्षित रुकवाया, खाना खिलाया और उसके बाद उनको गंतव्य तक पहुँचाने के लिए बस एवं ट्रेन वगैरह, उसमें गोरखपुर के भी लड़के थे और फैमिलीज भी, बहुत सारे ऐसे भी नहीं है कि लेबर ही आए थे, लेबर तो ज़्यादातर थे, बट ऐसे भी है कि वहाँ नौकरी करने वाले वहाँ व्यापार करने वाले वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सब थे। जहाँ तक पुराने जो फर्स्ट फेज में जो कोरोना हम लोगों ने जो फेस किया है उस समय हम लोगों को कोरोना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, शायद कोरोना के बारे में पहली बार सुने भी होंगे क्योंकि नोवल कोरोना वायरस तो जो सार्स बोलते हैं सीवियर और जो रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम, तो अब वो एक बार हम लोग झेल चुके हैं, ना जाने हम लोगों में कितने लोग अपने ही परिवार के सदस्यों को कोविड है, अपने दोस्तों को, मैं अपने पर्सनली बहुत सारे जो इनकी उम्र 40 भी नहीं है ऐसे दोस्तों को मैं कोविड हूँ और आप लोगों के परिवार में बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो सीनियर सिटीजन होंगे, डायबिटिक होंगे, हाइपरटेंसिव होंगे या कैंसर से पीड़ित होंगे, बेसिकली 10 साल के बच्चों तक की बहुत ज़्यादा जो है, बट हम लोग 10 साल के बच्चों की चिंता करते हैं, रियलिटी तो ये है कि उनके भी चिंता करना है, उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा मैं सीनियर सिटीजन्स की चिंता करना है। देखिए पिछले कोरोना में आपका व्यापार बाधित हुआ है, देश की जो रेवेन्यू जैसे जीडीपी, देश की व्यापार, देश की एक्सपोर्ट और तमाम व्यापारिक चीज़ें आर्थिक से भी बाधित हुआ, अफेक्ट हुआ है, बट उसका कीमत बहुत बड़ी थी। जैसे अभी मास्क खुला हुआ आपके चेहरे पे और आप खा रहे हैं,
तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि इतने बार कहने पर जो व्यापारी बंधु जो पुलिस की शिकायत कर रहे थे वो भी मास्क नीचे किए हुए हैं। तो आदमी एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, तीन बार कहेगा, चार बार कहेगा, पांचवा बार दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये आपकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, बट मैं इस बार आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हम और आप अलग नहीं हैं। मेरा भी परिवार यही है, आपका भी परिवार यही है, आपका व्यापारिक जो प्रतिष्ठान हो या वित्तीय जो संस्थान हो, अन्य जो भी बिजनेस चीजें बाधित होगा आपको दर्द होगा, मतलब ये स्वाभाविक है, मतलब इसमें हम लोग रिफंड बट नहीं है। अभी हम लोग सीरियसली, मैं सच्चाई ये बोलूँगा, हम और डीएम साहब अभी तक नाइट कर्फ्यू के बारे में कोई निर्णय लिया भी नहीं, हम लोगों ने निर्णय लिया भी नहीं। बट हाँ, जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है कोरोना, उस हिसाब से हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जो भी जनहित में, देश हित में, गोरखपुर के शहर के हित में जो भी निर्णय होगा कि वो आपसे कंसल्ट करने के बाद लिया जाएगा, या कम से कम आपको उचित समय पे, समय रहते आपको बता दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है और हम करेंगे आपको। दूसरी बात, देखिए कोरोना बीच में बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बहुत कम हो गया था, क्यों? क्योंकि हम सब मास्क पहनने लगे, हम सब हाथ धोने लगे, हम बहुत सारे तरीके अपनाए। अचानक से फिर बढ़ क्यों रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है? फिर वही लापरवाही हम लोगों ने रिपीट किया है, हम सब भूल गए हैं, सब सारे चीज़ें खुल गया है, पर उससे ज़्यादा नहीं। मामला ये है, हम वो अपने जो जो अवेयरनेस होते हुए भी हम उसको पालन नहीं कर रहे, ये रीज़न। हम आपको, आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद करने से हमें कौन सी मजा आ रहा है? जैसे आपको याद होगा, हम लोग लगभग तो हर महीने कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के आपके साथ तो बैठ ही जाते थे। अब बीच में कोरोना है, पंचायत चुनाव है, तमाम चीज़ें, इसलिए तो आपके साथ लगातार बैठ नहीं पा रहा था। बीच में काफ़ी अच्छा स्थिति पे आ भी चुके थे हम लोग, आप जानते हैं, ताकि हम लोग वैक्सीनेशन की शुरुआत जनवरी 15 के आसपास यहाँ प्रारंभ किए थे। उस समय में हमारा जीरो केसेस था, जनवरी से लेके फरवरी में भी जीरो केस था, मार्च में तब तक होली है तब भी हम जीरो थे। अब क्या दुर्भाग्य रहे हैं, जो भी कहें, जो हमारे ही साथी लोग बाहर से आए हैं जो होली मनाने के लिए और पंचायत चुनाव लड़ने के नाम से, वो भी हमारे ही साथी लोग क्या करें, वो कहीं मुंबई में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, कहीं बंगाल में काम करता है, कहीं से आए हैं, जाने अनजाने में कोरोना भी लेके आए हैं। और वो स्ट्रेन तो बिल्कुल, वैसे एडीएम साहब ने टेक्निकल चीज़ में पहले बताया, देखिए भारत में अब तक 12 तरह का स्ट्रेन हो चुकी है, यानी नया नया जो है जो उसका वायरस है ना, वो हम लोग से काफ़ी होशियार है, ये अपने के हिसाब से म्यूटेट होते रहती है, अपने समय के हिसाब से अपने ही बदलते रहता है और अपने मजबूत होते रहता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो वायरस पहले कॉमनली था, उसका अगेंस्ट हम लोग थर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, यानी उसका हम लोग का जो इम्यूनिटी है, जो ताकत का जो क्षमता है हम लोग का, आपस में बढ़ गई थी, उसी की वजह कोरोना अच्छा खासा कंट्रोल हो गई थी, 2-2.5 महीने बिल्कुल जीरो केस चल रही थी। अब जो अभी आया है स्ट्रेन, ये बिल्कुल नया तरीके स्ट्रेन है, ताकि ये कुछ लोग ऐसे भी बीमार हो जा रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी, कुछ ऐसे लोग हो जा रहे हैं, मतलब एक ही दिन में इतने अचानक इतने फैलाव पुराने वाले वायरस का नहीं था। अब एक ही दिन में, मैं उदाहरण को बताता हूँ, एक ऑफिसर का भी सुबह चर्चा किए थे, तो एक घंटे बस केवल अपने परिवार से मिलके आ गए थे वापस, पूरा परिवार का 10-15 लोग कोरोना में प्रभावित हो चुके थे। पहले इतने तेजी रफ्तार में नहीं था, ये जो वायरस आया हुआ है काफ़ी तेज रफ्तार से फैल रहा है। जो पहले का स्ट्रेन है, जो हम किसका हम लोग लड़ते थे, वो आते आते सबको महसूस हो जाता है, एक ही दिन में गला में क्रास हो जाता है आदमी का, जो फिर बुखार पड़ जाता है, पता चल जाता है, पहले 2 दिन में पकड़ लेते हैं आदमी का, खुद दौड़ के आ जाता है मेरा लैब में, साहब हमें टेस्ट करो, मुझे लग रहा थोड़ा सर दर्द है, तुम्हारा बुखार है, जुकाम, तुरंत पकड़ के फिर सेंचुरेट कर देते हैं। ये जो नया आया है, ये पता ही नहीं चल रहा है एक सप्ताह तक आदमी का, तब बिल्कुल सांसें फुल रही है, तब आदमी दौड़ के आ रहा था, फिर पता चल रहा, तो फिर इनका वायरस रहा 10 दिन पहले ही कोरोना से प्रभावित हो चुका है, अब फेफड़े में भर गया है, अब फिर ले जा रहे हैं।
अब लखनऊ का स्थिति ऐसे है, पिछले हर सप्ताह में लगभग रोज माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, और ताकि जो होली के बाद ही एक तरफ से हम लोग का कतरे की घंटी बजना शुरू हो गया था, अब अचानक बढ़ना शुरू हो गया था। लखनऊ की स्थिति में बता दूँ, एक सप्ताह में वहाँ भर्ती के लिए बेड नहीं है, और गोरखपुर से कितने रेफर हुए पेशेंट सबको यहाँ का एम्बुलेंस मंगा करके लौटा रहे, प्राइवेट में भी नहीं है, सरकारी में भी नहीं है, कहीं भी नहीं। अब लखनऊ की ये हालत है, गाजियाबाद नोएडा में भी बहुत तेजी से बेड बढ़ती जा रही है। गोरखपुर देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन रहा, उनका योजना रहा, पहले से उनका सोच विचार रहा, इसलिए बीआरडी का हम लोग क्षमता पहले केवल 100 बेड होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ के 500 बेड हम लोग करा चुके हैं, उस पर 200 बेड आईसीयू यूनिट के साथ है, बाकी 300 आइसोलेशन का है। उसके अलावा भी आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने काफ़ी सहयोग किए हैं, यहाँ फातिमा पेनेशिया वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल अभी भी चालू है, बट दुर्भाग्य वजह क्या है, कल एक ही दिन में 40 मरीज आए हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए, और मतलब ऐसी स्थिति में बढ़ती जा रही है। मुझे ये भी लग रहा था एक महीने के अंदर वैसे नहीं तो लखनऊ की स्थिति पे आ भी सकते हैं, उसी के हिसाब से हम तैयारी भी कर रहे हैं। वैसे कल आपको मीटिंग हुई थी इसलिए तो न्यूज़ पे आप लोग देखे भी होंगे, कहाँ कहाँ जो 12 जनपद का जिलाधिकारी प्रशासन को बुलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ये निर्देश दिए हैं, और यदि रोजाना 100 के ऊपर जो मरीज यदि रिपोर्ट होते हैं कोरोना का, और 500 से ज़्यादा मरीज किसी जनपद में है, उसी का कर्फ्यू के लिए कम से कम रात्रि कर्फ्यू के लिए विचार करें, विचार करके हमें सुझाव दें। तो हम लोग इसी मनसा में नहीं, वैसे कल से ही हम लोग कप्तान साहब से डिस्कस किए थे कि देखिए आप तो हम लोग का सारे स्रोत हैं, मान लीजिए आर्थिक स्रोत से लेकर के ये खान पान तक का सभी स्रोत आप ही लोग, आप ही लोग को बंद करके हम किसको क्या करेंगे, बट हमारा मजबूरी है, जान है, तो फिर अर्थव्यवस्था है, दोनों को बीच में बैलेंस करना बहुत कठिन था। और देखिए अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कर जो टैक्स है आप ही लोग देते हैं, वाणिज्य कर से शुरू होता है भले केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, उसके बाद एक्साइज से स्टैंप पर तमाम चीज़ होता है, तो केवल आप कर नहीं देते, आप सेवा देते हैं, कि किसी आदमी का अनाज लेना, कपड़ा लेना, कोई भी चीज़ लेना है बिना आप पर नहीं चल पाएगी, और वैसे एसेंशियल चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान जो जुड़े हुए चीज़ है, बिना उसका इंसान तो रह नहीं सकते। बट हम क्या है, ये दुर्भाग्य का हाल, सौभाग्य का हाल, गोरखपुर पूर्वांचल एक बड़ा हब के रूप से बन गया है, यहाँ थोक व्यापार के लिए बहुत बाहर लोग आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं, पूरे पूर्वांचल का सप्लाई यहाँ से चलता है, भले दवा व्यापारी का नाम ले लें, गल्ला का नाम ले लें, और किसी इंडस्ट्री का भी नाम लें, सब लोग ये थोक व्यापारी है, यहाँ तो ठप करेंगे तो पूरा पूर्वांचल एक तरफ से ठप हो जाता है, इसलिए हम लोग काफ़ी सोच विचार करके करते हैं, हम उसी मूड पर ही नहीं। बट देखिए आप हमेशा ये कहते हैं पुलिस सारे बोझ उठा लें, प्रशासन डंडा चला लें, तो आप यार हम लोग के साथ कंधे कंधे बातचीत से नहीं है, आचरण से भी चाहिए ना, तो सही है, कैसे कर पाएंगे आप, बुराई केवल जिला प्रशासन पुलिस ही उठाना है, अब तो कड़वा तेल मुझे ही पीना तो पीने के लिए तैयार है, हम तो पीते रहते हैं, तो नया चीज़ नहीं है, बट आप लोग तब तो आप लोग यार एकजुट करके कम से कम तो यार आपका अध्यक्ष का पद पे है, इतने हिम्मत भी नहीं जुटाओगे तो फिर कोरोना हम सबको खा जाएगा, अब कब आप लोग हिम्मत जुटाओगे बताओ। देखिए ये नहीं, ये 100 मीटर का दौड़ है, ये मैराथन दौड़ है भाई, ये भी बता दो, अब आगे भी वेव आने वाली है, ताकि जो भी आता है ना ये पूरा दुनिया देखिए कहीं बंद नहीं कर सकते, ताकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी न किसी चीज़ का, कहीं कहीं तमाम देश में माल नहीं आता तो यहाँ बेसिक चीज़ नहीं बनता है, देखिए यहाँ तो बेकरी का व्यापारी का वो दाम बढ़ गया है ब्रेड का, ताकि रिफाइनरी का रेट बढ़ गया है रिफाइंड ऑयल का, ताकि मलेशिया ने बंद कर दिया अपने पाम ऑयल, तो कहाँ कोई बंद करता है, यहाँ का ब्रेड यार खाने वाले के तो 5 रुपये की जगह 15 रुपये देना पड़ता है, अब हम किसी न किसी वजह जुड़े हुए हैं पूरा, हम वासुदेव कुटुंबक हम कहते हैं ना, हम सारे पूरे दुनिया एक परिवार का है, तो कौन सी परिवार का बंद करें, कौन सी पत्थर को तो हम भगा दें, ये असंभव है हमारे लिए, बट देखिए आप लोग हिम्मत नहीं दिखाओगे तो फिर बार बार तो कोरोना के सामने झुकाना पड़ेगा हम लोग को। देखिए व्यापार मंडल गोरखपुर में विभिन्न व्यापार मंडल के साथ मीटिंग था, खासतौर पे कोरोना का नंबर बढ़ रही है उसी को लेके चिंतित थे, और इन लोग से भी सुझाव मांगा गया है, और खासतौर पे जो नाइट कर्फ्यू और बाकी बंदी के बारे में निर्णय लेना था उसको सुझाव हम लोग व्यापार मंडल माध्यम से लिए हैं, खासतौर पर व्यापार मंडल का सहयोग मैं चाहता था, ताकि ये अकेले प्रशासन लड़ नहीं सकते हैं इस युद्ध पे, हमें व्यापार मंडल वाले के भी सहयोग चाहिए, और व्यापार मंडल वाले जो कितने अध्यक्ष लोग सब लोग हम लोग को साथ दिए हैं और ये आश्वस्त किए हैं हम लोग का जो कोरोना जो युद्ध चल रहा है उसका हम लोग के साथ खड़े हो जाएंगे। उम्मीद है गोरखपुर में दोबारा कोरोना का
प्रकार बढ़ने नहीं देंगे, उसी उम्मीद के साथ आज मीटिंग समाप्त हुई। भीड़ का संख्या का हम लोग थोड़ा नियंत्रण करने वाले हैं, उसका हम जल्दी डायरेक्शन जारी करेंगे, और देर रात में यानी 10 बजे के बाद पार्टी मैरिजेस इसी टाइप का उसका संख्या कम करेंगे, और बाकी जो सोशल गैदरिंग कहते हैं रात में जो अनावश्यक रूप से जो भीड़ इकट्ठा होने की स्थिति है उसको बंद कराने के लिए निर्णय लेंगे, वो जल्दी उसका डायरेक्शन जारी करेंगे।